हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे पैनी शेयर की जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहता है। कुछ हाई टर्म स्टॉक्स रखना चाहता है, कुछ लो टर्म स्टॉक रखना चाहता है, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, कुछ मिड कैप होती हैं, कुछ पैनी शेयर्स भी होते हैं। और एक ऐसा ही पैनी शेयर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसका काम जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन का है और 17 रुपये का ये शेयर है जो आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आप लोगों को बना के दे सकता है। उसकी वजह जो है वो भी मैं बताऊंगा, कंपनी की पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में, क्या कुछ फंडामेंटल्स हैं, कितना कंपनी का प्रोडक्शन है, कहाँ पे ये कंपनी है, कब स्टार्ट हुई थी और क्या इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखिए 17 रुपये 25 पैसे पे स्टॉक ने आज की अपनी क्लोजिंग दी है 0.58% के साथ में, और 10 पैसे की करेक्शन आज के दिन देखने को मिली। क्योंकि निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आज के दिन में जो है निफ्टी के अंदर भी करेक्शन रही है 0.30% के आसपास की, और उसी बीच में यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर भी आज के दिन हमें करेक्शन ही देखने को मिली है। बीते अगर 5 दिन की मैं बात करूँ तो 1.71% के आसपास तक के नेगेटिव रिटर्न्स मैं कह सकता हूँ 30 पैसे की गिरावट जो है बीते 5 दिन के अंदर इस स्टॉक के अंदर हो चुकी है। और एक महीने की मैं अगर बात करूँ तो 13% के आसपास तक की करेक्शन जो है बीते एक महीने में इस कंपनी के शेयर प्राइस में हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2.60 रुपये की। 6 महीने की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.5% से कम की गिरावट है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। और इस बीच में जो है ऑलमोस्ट 40 पैसे की ही गिरावट जो है बीते 6 महीने में, यानी कि अगर किसी ने 6 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी के अंदर तो उसको ऑलमोस्ट जो है अभी भी पर शेयर 40 पैसे का ही लॉस जो है मैं कह सकता हूँ देखने को मिल रहा होगा। और इसके मैक्सिमम अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट जो है 2021-2022, तो 2021 के जो है मिड में जो है कंपनी स्टार्ट हुई थी 2022, और 2023 का मिड आएगा तो ऑलमोस्ट 2 साल का समय बीतेगा। और इस बीच में अभी भी 43% के आसपास तक के रिटर्न्स जो हैं इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बना के भी दिए हैं। कंपनी का नाम है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और देखिए इसका जो बिजनेस है वो देखिए इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एल्कोहलिक स्पिरिट्स बाई डिस्टिलेशन इंक्लूडिंग एथेनॉल विनेगर एंड जनरेशन ऑफ पावर। तो अब यहाँ पे कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि नितिन गडकरी जो हैं हमारे मिनिस्टर जो हैं सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से आपको सुनने में भी आया होगा कि एथेनॉल का प्रोडक्शन को जो है उसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में पेट्रोल के साथ मिक्सिंग करके उसको जो है मार्केट में लेके आया जाए। और ऐसे में एथेनॉल कंपनियों को भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला, और ऐसे में ये कंपनी जो है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज जो है ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करती हुई नजर आ रही है और एल्कोहलिक स्पिरिट्स भी बनाती हुई नजर आ रही है। द कंपनी कमेंस ऑपरेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स इन 2001। इन 2006 द कंपनी इंप्लीमेंटेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड बिगेन कमर्शियल ऑपरेशंस फॉर द शुगर मैन्युफैक्चर फ्रॉम शुगर केन अलॉन्ग विद द को जनरेशन कैपेबिलिटीज इन द 2008। कंपनी बिगेन बोटलिंग इंडियन मेड लिकर एंड डिसकंटिन्यूड 2020। तो कहीं ना कहीं लिकर क्वांटिटी जो पहले कहीं ना कहीं बनाती थी अब उसका प्रोडक्शन जो है एथेनॉल के तौर पे कंपनी करती हुई नजर आ रही है। और शुगर से जो रेवेन्यू 58% जनरेट होता है, विनेगर से 4%, डिस्टिलरी से 32%, और कॉग्नरेशन से जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% तक का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई देखने को मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो शुगर केन की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 11,000 मैट्रिक टन की है। नेचुरल एल्कोहलिक विनेगर की जो कैपेसिटी है वो 75,000 लीटर की है। रेक्टिफाइड स्प्रिट की जो है 1,00,000 लीटर की, न्यूट्रल स्प्रिट की जो है 50,000 लीटर, एथेनॉल जो है 1,00,000 लीटर तक की उसकी, और IML बोल्टिंग की जो है बोटलिंग की जो है 5,000 की है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो है 36.4 मेगावाट। यानी कि ये कंपनी डाइवर्सिफाइड है अपने क्षेत्र में, और यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बिजली यानी कि पावर जनरेशन तक का भी हमें देखने को मिल जाता है। अगर प्लांट अपग्रेडेशन की मैं बात करूँ तो कंपनी इज इन्वेस्टिंग अबाउट 25 करोड़ इंडियन रुपीज़ टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड री प्रोवाइजेशन बैक्ड बाई प्लांट अपग्रेडेशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड क्वालिटी लेवल्स एंड मीटिंग द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन फार्मा ग्रेड शुगर एंड एथेनॉल। तो कंपनी अपने आप को इम्प्रूव ही करने की कोशिश कर रही है, 25 करोड़ के आसपास की जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से की जा रही है ताकि जो लेवल्स हैं उन पर जो है खरा उतरा जाए और आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ जो है आप इस शेयर में देख पाएँ। मार्केट कैप जो इस कंपनी का है 324 करोड़ का है, करंट प्राइस 17 रुपये 20 पैसे है, बाउंड वीक हाई 25 रुपये 70 पैसे का है, स्टॉक पी 6.27 है, ओवरबोट कंडीशन में स्टॉक नहीं है, बुक वैल्यू 14 रुपये 30 पैसे की है, डिविडेंड कंपनी देती है 1.16% के साथ में। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और साथ में ट्रेडिंग
भी सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके फ्री कॉल्स पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेली जो है आपको टेलीग्राम पे एक से दो डेमो कॉल मिलती रहेंगी, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए 12.7% एंड 23.7% है। फेस वैल्यू स्टॉक की 2 है, बहुत ही कमाल का है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। कंपनी रिड्यूस करती हुई नजर आ रही है, डेप्ट और क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा मेंटेन करती है कर रही है। सीएजीआर अगर मैं बात करूँ तो 58.1% का, और हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है कंपनी। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, 33% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.72% है लास्ट 3 ईयर्स का। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का नुकसान देखने को मिला था, जहां कंपनी ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 में 43 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पाई थी। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूँ तो 83 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर में जो है कंपनी ने जनरेट किया है। और बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व कंपनी के पास 232 करोड़ के हैं, कर्जा कंपनी ऊपर ऑलमोस्ट 240 करोड़ का है, और अगर प्रमोटर का स्टेक देखूँ मैं तो 33% और पब्लिक के पास 66% स्टेक है। एफआई के पास भी जो है 0.25% स्टेक देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है। तो ऐसे में अगर आप एक पैनी शेयर ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है इस कंपनी को भी कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।